And Doughty finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a piggy. It's out of here. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मौका चौका। मैं हूं एस कन्नन और मेरे साथ चेतन शर्मा। शानदार जीत सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। चेतन, क्या मैदान में उतरने के पहले ये कुछ हैदराबादी बिरयानी खा के आए थे क्या कल? बताएं जरा, ओपनर्स हैदराबाद के। मुझे लगता है कि सर हैदराबाद में तो बिरयानी खाई लेकिन पंजाब को पराठे खाने रह गए। लेकिन पहले मैं आपको गुड मॉर्निंग कर दूं और मैं आपको बता दूं कि हमारी कल की भविष्यवाणी जो थी मैच की वो बहुत अच्छी रही है। भविष्यवाणी अच्छी रही बट मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलियंस इंग्लिशमैन इनको ना बड़ा आजकल तला हुआ चीज, तड़का वाला चीज, मसाले वाला चीज पसंद है। तो सनराइजर्स हैदराबाद में मैं समझता हूँ रह के जॉनी बास्टो एंड डेविड वार्नर दे थरोली एंजॉयड अ गुड हरियाणी सॉरी अ गुड हैदराबाद बिरयानी लंच एंड देन केम टू द ग्राउंड। जिस ढंग से उन्हें खेला, बॉलरों को झेला और जिस ढंग से पावर प्ले का इस्तेमाल किया, पूरा स्पाइस तड़का वाला इनिंग्स था, पूरा स्पाइस तड़का वाला एक पार्टनरशिप था। आप सहमत है इस बात से? बिल्कुल सर, ये पार्टनरशिप अपने आप में एक रिकॉर्ड इसने बनाया है। हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार ने हमारे को स्टैट्स भी भेजे से रिलेटेड कि भाई ये जोड़ी ने एक रिकॉर्ड बनाया है मोस्ट 100 पार्टनरशिप 100 प्लस रन की पार्टनरशिप का। मुझे लगता है कि सर ये पारी जो थी, ये पारी एक अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज हैदराबाद की तरफ से देखने को मिला है और ये शानदार थी। क्रिकेट शानदार, पार्टनरशिप शानदार, जोड़ी। इसके पहले हमने देखा है कि वार्नर जब खेलते थे शिखर धवन होते थे हैदराबाद में, बट अब दोबारा एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन जो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है जहां आप राइवल टीम के बॉलरों को सेटल नहीं होने देते। जॉनी बेस्टो की बात पर है, इंग्लिशमैन मतलब उभरते हुए खिलाड़ी, ऑब्वियसली मोर देन 30 नाउ, यॉर्कशायर बैट्समैन। हम नॉर्मली एसोसिएट करेंगे कि यॉर्कशायर मतलब पहला नाम माइंड में आता है जेफ बॉयकॉट का, जो इनका कोच थे पहले जेफ बॉयकॉट। वेरी सीजन सॉलिड बैट्समैन, बट कल जो बैटिंग इन्होंने करी, शानदार पारी, चूके सेंचुरी से अपने पर्सनल माइलस्टोन से। हालांकि एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि वो अपने सेंचुरी के लिए बैट कर रहे हैं, बट जिस ढंग से वार्नर और बैस्टो ने कल बैटिंग करी, ऐसा लग रहा था कि 220-225 भी एक स्कोर खड़ा कर सकता था सनराइजर्स हैदराबाद। क्या कहेंगे चेतन? बिल्कुल सर, ये मुझे लगा जो कल स्कोर उन्होंने बनाया वो कम से कम 20-25 रन कम था। जिस हिसाब से एक शुरुआत हुई थी बहुत ही जबरदस्त थी, 160 रन तक कोई आउट नहीं था। तो उसके बाद जिस तरीके से पंजाब ने कमबैक भी किया, उनके बॉलर्स की तारीफ करनी होगी उसके बाद की, उनके स्पिनर की, बिश्नोई की। बाकी बेस्ट्रो जो है वो बहुत ही समझदार प्लेयर है। मुझे लगता है कि नर्वस 90 होकर के जो फंस गए वो आपने सही बात करी कि ये थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें तो एक अच्छा स्कोर और बड़ा स्कोर बना सकते हैं। नर्वस 90s तो मैं समझता हूँ ज्यादातर हम टेस्ट क्रिकेट के लिए रेफर करते हैं और हमारे बीच नहीं रहे अब चेतन चौहान। जितने बार वो आउट हुए बेचारे टेस्ट में एक सेंचुरी नहीं बना पाए। बट ये एक जोड़ी, नॉर्मली हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो क्रिकेट राइवलरी है तो ऑलमोस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, बट यहाँ पे एक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग पेयर कम्बाइन, सच अ सॉलिड पार्टनरशिप, इतनी अच्छी साझेदारी। मैं समझता हूँ एक दूसरे के अच्छी तरीके से समझते हैं और वार्नर जो नॉर्मली एग्रेसिव होते हैं, मतलब लगता है कि जैसे कि हर एक बॉल जो भी डलता है उसे उसको ठोकने के लिए बैठे हुए हैं और सूद देते हैं जैसे लोकल क्लब क्रिकेट में कहते हैं, बट आजकल एक देखने को मिल रहा है कि वार्नर इज ट्राइंग टू बी मोर रिस्ट्रेन। और अगर उनके साथ में जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है जिन स्ट्राइक मिलता है वो ज्यादा अच्छा बैटिंग करते हैं, तो ये एक हल्का सा मैं चेंज देख रहा हूँ कि वार्नर इज प्लेइंग विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको मालूम है वो जितना ज्यादा देर रहे खेलें क्रीज पे, और बैट्समैन ने पूरा फायदा उठाया और बॉलर जितने भी थे सबको दिखाया कि कोई भी विकेट हो, जैसे भी ग्राउंड हो, जितनी भी गर्मी हो, आफ्टर ऑल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर इतना ज्यादा गर्मी कंडीशंस में नहीं खेलते, उनकी जो क्रिकेट होती है मोस्टली कूलर कंडीशंस में होती है। और जो यूएई की गर्मी इस वक्त है बहुत ही भयानक गर्मी है एंड दे हैव अडैप्टेड ब्यूटीफुली टू द कंडीशंस। डू यू एक्सेप्ट दिस चेतन? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कंडीशंस में ढाला है। जिस तरीके से हैदराबाद एक वापसी कर रही है कल के मैच के साथ, मुझे लगता है कि ये आने वाले मैचेस में अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ मुझे पंजाब के लिए बुरा भी लग रहा है कि एक शुरुआत जिस तरीके से हुई थी उसके बाद वो बिल्कुल एक खुश हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए।
तो ये थोड़ा सा कुंबले को और राहुल को बैठ करके सोचना पड़ेगा, दोबारा से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से आपने रणनीति बनानी है। चेतन, आपके हिसाब से कौन चार टीम है जो प्लेऑफ में जाएंगी? अभी बहुत सारे मैचेस खेलने को है लीग फेस में, बट आज की डेट में इस वक्त ऑन अ फ्राइडे जब पता है कि यूएई में छुट्टी है, अगर हम स्पेकुलेट करें तो कौन सी चार टीम आपको लग रहा है कि प्लेऑफ में जाएगा? सर मेरे हिसाब से जो टीम्स की जो अगर मैं परफॉर्मेंस की और अच्छी जो परफॉर्मेंस चलती आई है उसकी बात करूं तो मैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता को रखना चाहूंगा सर उसमें टॉप फोर में। बाकी क्रिकेट है, कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है कि दिल्ली नाम ही नहीं लिया, दिल्ली का नाम ही नहीं ले रहे आप तो। नहीं नहीं दिल्ली का लिया सर मैंने, मैंने कहा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। अच्छा, मतलब सारे मेट्रोस को आपने गिन लिए, बाकी छोटे मोटे सबको छोड़ दिया आपने? नहीं नहीं छोड़ा नहीं है सर, मैंने कहा ये क्रिकेट है, क्रिकेट का भरोसा नहीं है, आपकी चेन्नई सुपर किंग्स भी कब कुछ कर दे कुछ भरोसा नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो ये चार टीम्स होनी चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स मेरा टीम तो नहीं है, हालांकि जरूर आई वुड लाइक टू सी चेन्नई सुपर किंग्स बैक आफ्टर बीइंग डिरेल्ड डे बिफोर। बट बात करें अबाउट किंग्स 11 पंजाब की बैटिंग जो पहले थी, उनकी शुरुआत केएल राहुल स्टार्टेड विद अ सेंचुरी, उसके बाद फिसलता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा स्लिप होता जा रहा है उनके हाथ से टूर्नामेंट। वन बैट्समैन सॉलिड बैटिंग जो लग पूरन के बारे में आप कुछ बताएंगे, व्हाट वाज द स्पेशलिटी अबाउट हिज बैटिंग यस्टरडे? पूरन सर बहुत निडर होकर, और ऐसा मैं आपको बता दूं कि पंजाब ने जो कल किया है वो रनआउट के जो अपने अपने आप को खुद आउट करवाया है वो मुझे समझ नहीं आया कि किस बात की हड़बड़ाहट थी, किस बात की जल्दी थी। पूरन को देखिए खड़े रहे और वो खड़े होकर के शॉट्स जो उन्होंने मारे हैं वो बहुत ही शानदार थे। एक तरफ से उन्होंने हैदराबाद को मुसीबत में डाल दिया था, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली। पंजाब भी अगर इस तरीके से खड़े रहते, अपने आप को जल्दबाजी ना करते तो एक अच्छा स्कोर ये आराम से चेज हो सकता था। जरूर पूरन के साथ कोई सामने नहीं था, एक अच्छी साझेदारी ज्यादा बन नहीं पाई। मैं समझता हूं कि अभी जो ट्रेंड है पिछले तीन मैचेस का, एक मैच में जब हमने देखा कि चेन्नई सुपर किंग 10 विकेट से जीत रहा है, अभी हमने दो दिन पहले चर्चा किया है कि दिल्ली कैपिटल्स के पास कितना सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप है, तो जब आपके ओपनर्स क्लिक कर जाते हैं इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आईपीएल। और जब आप चेस कर रहे हैं मैं समझता हूँ तब भी आपको एक सॉलिड ओपनिंग बैटिंग चाहिए। पूरन का जो योगदान था बहुत ही जबरदस्त था, पर वो किंग्स 11 पंजाब को संपूर्ण जीत नहीं दिला पाए। आगे आने वाले मैचेस में किंग्स 11 पंजाब को क्या रणनीति अपनानी होगी चेतन? बिल्कुल सर, रणनीति तो सिंपल सी है, खड़े रहिए और आपका अपने आप को, आपका इतना सॉलिड बैटिंग लाइनअप है उसमें अगर आप खड़े रहते हैं आपके पास स्कोर अपने आप बनेगा। जल्दबाजी ना करें, रनआउट वाली गलतियां ना करें तो मुझे लगता नहीं कि पंजाब के लिए कोई मुश्किल हो सकती है। बॉलिंग थोड़ा सा सुधारना होगा क्योंकि अभी तक कुछ अलग सा नजर नहीं आया मुझे बॉलिंग में। बॉलिंग में नजर नहीं आया, बट वहीं हम सनराइजर्स की बात करें, भुवनेश्वर कुमार आउट ऑफ द टूर्नामेंट, जो बाकी जितने बॉलर हैं कमाल का प्रदर्शन। चेतन, हमने देखा कि क्या वैरायटी दिखा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद, एक बिल्कुल जैसे हमने जिक्र किया पहले हैदराबाद बिरयानी फ्लेवर इन बैटिंग, बॉलिंग में भी हैदराबाद बिरयानी का फ्लेवर आई गॉट टू सी यस्टरडे। बताएंगे जरा हैदराबाद बॉलिंग के बारे में? बिल्कुल सर, मैंने हमने कल भी इस बारे में चर्चा करी थी कि संदीप बहुत अच्छा बॉल करा रहे हैं, नटराजन अच्छा बॉल अप करा रहे हैं और ट्रम्प कार्ड राशिद खान की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, बहुत ही जबरदस्त बॉलर हैं। और ये जो अभी कॉम्बिनेशन मुझे लगता है हैदराबाद का चल रहा है, और हम फील्डिंग की भी बात तारीफ करेंगे हैदराबाद की, कल फील्डिंग बहुत शानदार रही, वो एक रनआउट जो था बहुत ही बढ़िया था मैक्सवेल का। मेरे हिसाब से ये अगर आप हैदराबाद थोड़ा सा इसको और अपने आप को इम्प्रूव करें बॉलिंग में संदीप और नटराजन, तो मुझे लगता है कि ये टीम जो है ये बहुत ही सॉलिड है आगे आईपीएल के लिए। देखिए मैं तो समझता हूँ कि अभी तक जो तड़का लग रहा है बहुत जबरदस्त लग रहा है तड़का बॉलिंग में। राशिद खान अफगानी प्लेयर, हमको मालूम है अफगान में क्या डेलिकेसीज फेमस है, हैदराबाद का जो एनवायरमेंट इन यूएई वो एंजॉय कर रहे हैं और इतने कंट्रोल से बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कूल, ये नहीं कि कोई उनको पीट सकता है। और जहां तक आपने नटराजन की बात करी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, पीछे हमने टी शर्ट में देखा क्योंकि नटराजन हर एक आदमी बोल नहीं पाता नट्टू, ये एक बहुत जबरदस्त पैर है। और उनके साथ में बाकी भी जितने तीन बॉलर चार बॉलर यूज किए जाते हैं, द बॉलिंग वेरी वेरी वेल।
तो सनराइजर्स के लिए उनकी बॉलिंग भी क्लिक हो रही है। मैं समझता हूँ सनराइजर्स जो आपके चार टॉप फ्रंट रनर्स फॉर प्लेऑफ्स, मैं भी समझता हूँ दे कैन बी डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट, दो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट। पर डेविड वार्नर ने दिखाया कि वंस अगेन लीडरशिप स्किल्स में वो कितने आगे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद बैटिंग में लेते हैं, टीम लीड करने में दिखाते हैं। चेतन एक क्विक कमेंट, आज मैंने पढ़ा अखबारों में और शायद कल और ऑन एयर भी बोला है, नन अदर देन सुनील गावस्कर साहब की आईपीएल जो है एक बैट्समैन ओरिएंटेड टूर्नामेंट होता जा रहा है, तो क्यों ना फास्ट बॉलर को एक ओवर में दो बाउंसर दिया जाए, इसकी क्या जरूरत है चेतन? मुझे लगता है सर गावस्कर बहुत बड़े एक खिलाड़ी हैं, वो जो भी बोलेंगे वो पता नहीं अपनी समझ के हिसाब से बोलते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ इसको बैटिंग फ्रेंडली कहें तो ये कल बॉलर्स के लिए एक नाइंसाफी होगी, क्योंकि कल हैदराबाद की बॉलिंग बहुत जबरदस्त रही है, 126 पे के आसपास जो है, 130 के आसपास जो है पूरी टीम को निपटा दिया उन्होंने पंजाब की, जितना इतना सॉलिड लाइनअप होने के बावजूद। तो ये बाउंसर वाला कंसेप्ट जो है ये आप, मुझे नहीं पता किस हिसाब से वो बता रहे हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है मुझे लगता है। मुझे भी नहीं लगता चेतन दो बाउंसर की जरूरत है, हमने वैसे ही देखा जोफ्रा आर्चर जैसे हैं इतनी तेज बॉलिंग करते हैं, और दो दिन पहले हमने देखा नवदीप सैनी जो है बीमर भी मार रहे हैं, इट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड, आप खेल रहे हैं ढंग से बॉल करिए, आउट करिए बैट्समैन को, यॉर्क करिए, फास्टर वन मारिए, जो मर्जी है स्पिन हो या फास्ट बॉलिंग हो, बट लेट अस स्टिक टू लेजिटिमेट, दो बाउंसर की जरूरत नहीं है। वेल फैक्ट इज मौका चौका डज नॉट अग्री विद सुनील मनोहर गावस्कर। नाउ कम वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मौका चौका चेतन, आज का मैच बताएं क्विकली हमको आज के मैच के बारे में। आज फ्राइडे है, आज जुमे का दिन है, आज यूएई में छुट्टी है, बताइए क्या है आज का प्रेडिक्शन? आज शारजा में मैच है दिल्ली और राजस्थान का, और मुझे लगता है छक्के चौकों की जो भरमार आज देखने को मिलेगी वो बहुत उम्मीद है मुझे, और एज यूजुअल मेरी फेवरेट टीम मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स आज फिर अपना जलवा दिखाएगी और जीतेगी। दिल्ली कैपिटल जलवा दिखाएगी, तो आपको लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स आज रॉयल नहीं है, मतलब कॉमनर की तरह खेलेगी। दिल्ली कैपिटल्स का दोबारा चर्चा करें, जैसे हमने बात करी कैप्टेंसी की, श्रेयस अय्यर कूल, अच्छी एक ओपनिंग पार्टनरशिप, अच्छी बॉलिंग, छोटा मैदान है चेतन, बड़ा एक तरह का ये जुआ सट्टा है, पता नहीं कि बैटिंग पहले करें क्योंकि यहाँ पता नहीं कि 210 215 भी शायद कम ना पड़ जाए, तो आप अगर श्रेयस अय्यर होते आज तो क्या करते टॉस जीतते? मैं बिल्कुल सर बैटिंग करना पसंद करूंगा इस विकेट पे, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर दूं, क्योंकि मेरे पास बॉलिंग है जो राजस्थान रॉयल्स को रोक सकती है चेज करने से। साथ ही मैं राजस्थान रॉयल्स की बात करूं, बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप है, बस अपने आप को क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, वो रुके पड़े हैं पिछले कुछ मैचों से, तो आज हो सकता है कि वो भी हमें देखने को जलवा मिल जाए, बट अपर हैंड थोड़ा सा मैं जो दे रहा हूं वो आज दिल्ली को ही दूंगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार चलती आ रही है। चेतन हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स का फॉर्म का, दिल्ली कैपिटल्स का जो अभी तक परफॉर्मेंस रहा है शानदार रहा है, और मैं समझता हूं अगर मेंटल एस्पेक्ट की बात करें, स्टीव स्मिथ वर्सेस श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट है, श्रेयस अय्यर खुश है, उनके पास एक सॉलिड टीम है, रिकी पॉन्टिंग है, उस तरफ राजस्थान की ओर देखें प्रेशर में है, मैचेस हारे हुए हैं वो काफी सारे, उनको पता है कि अभी ये जो लूजिंग सिक्वेंस है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो स्टीव स्मिथ आज क्या करेंगे फर्स्ट आप बताइए मुझे। मुझे लगता है कि सर स्टीव स्मिथ और ये जो फॉरेन के जो कैप्टन्स हमारे आईपीएल में हैं वो मुझे एज कंपेयर टू इंडियन कैप्टन्स ज्यादा इन्वॉल्व लगते हैं, मैं आपको जनरली बताऊं, मुझे लगता है कि वार्नर को देख लीजिए, स्टीव स्मिथ को देख लीजिए, ये टीम के साथ बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि जुड़े हुए होते हैं, तो आज वो चाहेंगे कि वो अपनी टीम को बिल्कुल मोटिवेट करे सॉलिड से कि भैया अब आपके पास मौके कम बचे हैं, अब आपको जीतना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा वो अपने आप को क्या नाम है इम्प्रोवाइज कर करके अपने एज अ कैप्टन भी थोड़ा मोटिवेट करना होगा प्लेयर्स को, मौका का फायदा उठाना होगा, मौका चौका में हम भी चाहते हैं कि मौका का फायदा उठाना होगा। फ्राइडे का दिन है, वीकेंड है यूएई में, इंडिया में भी आज शाम से वीकेंड शुरू हो जाएगी, वी एक्सपेक्ट टू सी गुड क्रिकेट टुडे एंड ऑल्सो ओवर द नेक्स्ट टू डेज चेतन, थैंक यू एंड लेट्स वॉच फॉर टुडेज इवनिंग मैच। Good luck to Delhi Capitals and also let us not be impartial. Good luck to Rajasthan Royals. Thank you, Chetan. Thank you, sir.